अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, कल जो हमने व्लॉग डाला सर्दी के मुतालिक, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स आए हुए थे। सबसे पहले उनका जवाब दे दूँ और फिर कुछ और थोड़ी बहुत यानी कि आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। एक तो भाई पूछ रहे थे कि बोला हम हीटर जो लगाते हैं यानी कि गैस वाला हीटर, इसको हम अपने फार्म के बाहर लगा के यानी कि कोई ऐसा होल बना दें कि जहाँ से इसकी हीट अंदर जाती रहे और हीटर बाहर रखा रहे, तो इसमें भाई अगर ऐसा कोई सिस्टम आप बना सकते हैं तो उसकी वीडियो छोटी सी बना के मुझे व्हाट्सअप करें। मैं इसमें व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा अपनी वीडियो में, ठीक है ना, मुझे व्हाट्सअप करें ताकि देखें भाई हो सकता है आप जो आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं वो एक अच्छा सिस्टम हो और वो औरों के भी काम आ सके, मैं उसको शेयर कर सकूँ अपनी वीडियोज़ में, ठीक है। और दूसरा ये कि एक मैंने इनके उन्होंने व्हाट्सअप से मुझसे पूछा था डायरेक्ट कमेंट में, तो मेरे ख्याल में नहीं हुई थी उनके बात, उन्होंने व्हाट्सअप करके पूछा था कि जो जापानी हीटर आ रहे हैं ये कहाँ से मिल जाएंगे। तो भाई ये जापानी हीटर जो आ रहे हैं ये गैस और बिजली दोनों से चलते हैं। अच्छा, फिर एक भाई पूछ रहे थे कि बोला ये यानी कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो लकड़ी का यानी कि कोयला वगैरह है ये ज़्यादा बेहतर रहता है या गैस का हीटर या दूसरा हीटर वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वो मैंने वीडियो में भी बताया था कि भाई मुझे तो ज़्यादा बेहतर जो लगता है वो ये लकड़ी के कोयले हैं। ये बेज़रर चीज़ होती है और बहुत ज़माने से हम लोग देखते हैं हमारे जो ठंडे इलाके इनमें इस्तेमाल होती है, गैस की वजह से हादसा हो जाते हैं, लेकिन जो ये कोयले वगैरह लोग दहका के रख लेते हैं कमरों के अंदर, इससे हादसा होते हुए मैंने नहीं देखे। कोई शायद हो नाजिर कोई आग लग गई हो किसी बेहतियाती की वजह से, वरना इसमें कोई धमाका होने का या गैस भर के जहर गैस का जहर फैल जाने का कोई ऐसा मैंने हादसा नहीं देखा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। इसमें गैस नहीं होती है तो दहके हुए कोयले और हीट भी अच्छी देते हैं। अच्छा, उसमें एक भाई पूछ रहे थे कि अगर हम गैस का हीटर अंदर रखें और उसका जो यानी कि समझ लें जो उसका बैड फैक्टर है उसको हम एक चिमनी बना के बाहर निकाल दें, यानी कि हम जहाँ गैस का हीटर रख रहे हैं उसके ऊपर एक चिमनी बना दें ताकि उसकी जो हाइड्रोजन या वो गर्म गैसेस जो निकल रही हैं वो ऊपर निकल जाएँ, तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि भाई फिर वो हीट आपको कम मिलेगी, हीट भी कम मिलेगी लाजमी बात है, क्योंकि जो वो गर्मी हीटर पैदा कर रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि वो फौरी तौर पर गर्मी जो गर्म हवा होती है वो बहुत हल्की होती है, वो फौरी तौर पर ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो वो आप यानी कि अगर आप इस तरह करेंगे तो वो फिर उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल जो आप कह रहे हैं ब्रूडल एक सिस्टम होता है, सो वो इसी तरीके से मुर्गी खानों के अंदर अक्सर लगाए जाते हैं, वो तो उसके अंदर एक गोल ट्रे वो बड़ी सी लगाते हैं ऊपर की तरफ से, जैसे आपने देखा होगा जो नाइट लैम्प आते हैं वो इस तरह का लैम्प टाइप का वो लगाते हैं, उसके नीचे वो यानी कि अंगीठी रख देते हैं और उसका जो बीच में से एक पाइप निकाल देते हैं वो यानी कि मुर्गी खाने के जो पोल्ट्री फार्म होता है उसके बाहर जा रहा होता है, तो वो जो अंगीठी गर्म हो रही होती है उससे वो हीट यानी कि यूँ समझ लें कि प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसके ऊपर मैंने एक आपको सिस्टम बना के दिखाया था कि जो ये हमारा लकड़ी हमने वो कागज़ का डब्बा रखा था और उसके अंदर हमने हीटर लगाया था तो वो अच्छा काम किया उसने, यानी कि उसमें ये होता है जावा की, क्योंकि कुछ परिंदों की हैबिट्स भी होती हैं, उस परिंदे की जावा की हैबिट है वो उसके डब्बे के अंदर आके बैठ जाते हैं बच्चे जो निकलते हैं, और वहीं हमने एक छोटा सा हीटर लगाया हुआ तो हमारा वो सिस्टम कामयाब रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आज मैं कुछ नया बतलाना चाह रहा था वो एक इन्फॉर्मेशन है ये कि भाई लोग इस चीज़ को थोड़ा सा जब फार्म बना रहे होते हैं तो मुतासिर आदमी जिस चीज़ से होता है ना वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो रखता है, ठीक है। मतलब ये है कि आपने अगर सर्दी में अपने इन समझ लो फार्म आपने देखा कि आपने जैसे परिंदे डाले इन दिनों में, तो आपको लगेगा कि यार सर्दी के मौसम से बचाना बड़ा ज़रूरी है, तो फार्म को उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे आप कि यार सर्दियों में हमने फार्म को कैसे बचाना है, आप गर्मी के हिसाब से नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो इसमें बर्ड फार्म के अंदर कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा बर्ड फार्म के लिए ख़तरनाक होता है आज हम इंशाल्लाह उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो मेरा जो अपना एक वो है, मैं समझता हूँ कि जो बारिश का मौसम होता है ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बर्ड फार्म के लिए ये वाला मौसम होता है, क्योंकि इसमें देखें अक्सर व बेशतर बर्ड फार्म आउटडोर बने हुए होते हैं, यानी कि छतों के ऊपर बने हुए बाहर बने हुए, तो उसमें ये होता है कि बारिश का पानी वहाँ आता है, बारिश के पानी से उसमें होता ये है कि जो बीठे वगैरह की हुई है जो दाना पड़ा हुआ है वो सड़ना शुरू हो जाता है और परिंदे इससे ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं बनस्बत सर्दी के, ठीक है। एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया कि जब बारिश हो रही होती है उन दिनों में आपको पता है सूरज नहीं निकलता, कई कई दिन नहीं निकलता, तो वो जो एक उनको रोज़ाना का एक धूप का वो उनको चाहिए होता है सिस्टम वो उनको नहीं मिल रहा होता,
तो भले यानी कि यूँ समझ लें अगस्त के महीने में बारिश हो रही है, तो अगस्त के महीने में भी आपको वहाँ पर हीटर या बल्ब लगाने पड़ जाते हैं, कम से कम बल्ब लगाना पड़ जाता है, क्योंकि उसको कम इतनी एक तो हीट मिले कि वो अपने जिस्म की हरारत को पूरा कर सके परिंदा, इतना तो आपको करके देना पड़ेगा उसमें। ये हीटर उन दिनों में लगाना तो वो तो ख़तरनाक है, क्योंकि वो गर्म मौसम होता है उस वक़्त, और वहाँ पर आप हीटर लगा देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कम से कम आप बिजली का सिस्टम अपने फार्म के अंदर रखें कि आप वहाँ पर बल्ब लगा दें। अच्छा, जो हीटर वगैरह की जो बात हो रही थी, इसमें मैं एक चीज़ बतला दूँ कि जो ये बिजली का जो सिस्टम होता है ना, जैसे ये अपना बल्ब आते हैं 100 वाल्ट का, 200 वाल्ट का, अगर आपको अपने फार्म में कोई चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, गैस का हीटर किस तरह डिज़ाइन करूँगा, कैसे लगाऊंगा, इसमें गैस भरने का अंदेशा है, तो भाई सबसे इजी ये है कि आप फ़िलहाल यानी कि जैसे आप अगर आप इमीडिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 100 100 वाल्ट वाले बल्ब लगा दें, यानी कि आप अपनी जगह को मुकम्मल तौर पर पैक करें और वहाँ पे 100 100 वाल्ट वाले बल्ब लगा दें, और रात में किसी टाइम यानी कि चक्कर लगा के आप ज़रा चेक कर लें टेम्परेचर। टेम्परेचर जो मैंने बताया है कि आप जब यूँ समझ लें फार्म के अंदर गए और आपको फार्म का टेम्परेचर ऐसा लगा कि आपको लगे कि यार ये मैं आराम से बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं इस यानी कि इस मौसम के ऐसा मौसम के अंदर कि मैं यहाँ पर बग़ैर किसी रज़ाई वगैरह के मैं सो सकता हूँ, यानी कि इतनी ठंड नहीं है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चादर या वो चाहिए ओढ़ने के लिए, इतना मुतदिल मौसम लगे, तो आप समझ जाएँ कि मौसम ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि आपके पास अगर टेम्परेचर मीटर भी नहीं लगा हुआ, अगर टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है तो फिर ये होता है कि टेम्परेचर मीटर के हिसाब से देखें कि आपका टेम्परेचर फार्म के अंदर कैसा हो गया है। वैसे तो ये होता है आमतौर पर जब आप फार्म के अंदर दाखिल होते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार फार्म के अंदर का टेम्परेचर किस तरह का है, ठीक है। तो ये सबसे आसान है, जल्दी है, बस ये है कि बिजली हमारे यहाँ बहुत महंगी हो गई है, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, और ठीक भी है, लेकिन ये है कि भाई यानी कि बड़े नुकसान से बचने के लिए तो आपको ये छोटा मोटा ख़र्चा तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखें मैं ख़ुद भी कई जगह पर मेरे पास अभी भी 2 3 हीटर मेरे पास बिजली वाले लगे हुए हैं, यानी कि मैंने वो सेरामिक हीटर दिखाए थे वो मैंने 2 3 लगाए हुए, हालांकि बड़े हीटर का बंदोबस्त किया हुआ पूरे फार्म के लिए, लेकिन फिर भी मैंने छोटे 2 3 हीटर लगाए हुए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ लगाए हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने डफ़ रखी है, डफ़ के लिए मैंने बल्फ लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो डफ़ को एक उनकी यानी कि एक अपना उसका माहौल, उसको अपनी जो ज़रूरियात होती हैं उसके हिसाब से हमने उसको चीज़ प्रोवाइड की हुई है, ठीक है व्यूवर्स। तो ये कुछ थोड़े से आज के लोगों के जो हमारे सब्सक्राइबर्स के सवाल आए हुए थे, कुछ उनके जवाब दे दिए, और बाकी एक चीज़ जो मैंने बताया कि आप बारिश के अतबार से फार्म को जब भी डिज़ाइन करें आप बारिश का लाजमी सोचें कि अगर बारिश होगी तो आपके फार्म में बारिश नहीं जानी चाहिए, बाकी जो गर्मियों होती हैं या सर्दियाँ होती हैं उसके लिए सिस्टम को यानी कि मैं कहता हूँ एक तरह से सेट करना मुश्किल नहीं होता, कि आपको पता होता है यार सर्दी आएगी तो मुझे यहाँ से ढकना है, गर्मी आएगी तो मुझे यहाँ से खोल देना है, तो वो फिर भी इतना मुश्किल नहीं होता। और कई जगह ऐसा होता है जैसे आपने कोई डक वगैरह दिया हुआ है सर्दियों में, आप 3 महीने के लिए मुस्तकिल तौर पर भी बंद कर सकते हैं, कुछ एरिया आप ऐसा रखें कि जहाँ से आप जैसे मैं ये पेनाफ्लेक्स रोज़ाना ढकता हूँ रोज़ाना खोलता हूँ, ऊपर का जो डक है मैं रोज़ाना ढकता हूँ रोज़ाना खोलता हूँ क्योंकि आसान है, लेकिन जो खिड़कियों में प्लास्टिक लगाई है वो मैंने पक्की लगाई हुई है, जो हमारे पीछे आप इधर देख रहे हैं इस तरफ जो खिड़की है इसमें जो प्लास्टिक लगाई है वो पक्की लगाई हुई है, वो मैं एक दफ़ा लगाती हूँ मैं उसको 3 4 महीने के बाद ही खोलूँगा, जब सर्दियाँ चली जाएंगी तभी खोलूँगा, क्योंकि उसको रोज़ाना ढकना लगाना मुश्किल था और उसमें से हवा आने का अंदेशा था, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से सेटिंग को आप ये बेहतर करते जाएं। बाकी इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ें रह रही हैं, अगर आपको लगता है कि यार अभी भी कुछ पूछना बाकी है, तो आप बेफिक्र होकर मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दिया करें, ताकि ये वीडियो यूट्यूब आगे लोगों को भी रेकमेंड कर सके, जितने आप लाइक करते हैं उस हिसाब से यूट्यूब उनको आगे रेकमेंड करता है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में कभी कभी होता है मेरे सब्सक्राइबर शिकायत करते हैं कि आप जवाब नहीं दे पाते, वो असल में होता ही है, जो पहले दिन वीडियो डलती है उसको 1 2 दिन तो मैं वॉच करता हूँ कि उसमें जो कमेंट आते हैं वो जवाब दे देता हूँ, लेकिन वो उसके बाद जब जाती है आगे लोगों तक जाती है वो देखते हैं वो कमेंट करते हैं, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं उन वीडियो को इतना सर्च नहीं कर रहा था पिछली वीडियो को, उसमें कमेंट्स के जवाब रह जाते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि मैं अब कोशिश करता हूँ कि हर दूसरी वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देता हूँ, तो उसमें ये होता है कि अगर किसी को ज़रूरत है ऐसी तो वो व्हाट्सअप यानी कि वॉइस मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है, मेरी कोशिश होती है व्हाट्सअप आया हुआ तो मैं 1 दिन 2 दिन में जब भी मेरी नज़र पड़ती है मैं देख के उनका जवाब दे देता हूँ, ठीक है व्यूवर्स। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।